Hi viewers, this is Shamim John and you're watching Churches of Pakistan. आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के पुरफिजा सियाहती मकाम के मशहूर और मारूफ माल रोड पर वाक़ होली ट्रिनिटी चर्च मरी। होली ट्रिनिटी चर्च मरी पाकिस्तान के उन कदीम बेशुमार चर्चेज में से एक है जो अंग्रेज दौरे हुकूमत में बनाए गए थे। उस दौर में बनाए गए कई चर्चेज आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। यूं तो होली ट्रिनिटी चर्च मरी का संगे बुनियाद 2 मार्च 1850 को रखा गया था, मगर 7 साल बाद ब्रिटिश रजीम के नॉर्दर्न यूनिट और सरकारी अहलकारों के लिए इस चर्च की इबादत का बाकायदा आगाज 17 मई को किया गया। यानी जिस साल में इस चर्च की तामीर मुकम्मल हुई उसी साल में ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान में मुखालफत का सामना करना पड़ा और इसी बगावत को कुचलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को जंग भी लड़ना पड़ी और इसी सूरत हाल के पेश नज़र इस चर्च की बाकायदा तकदीस 2 मार्च 1860 को की गई। मरी पाकिस्तान की एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि जंगलात से घिरी हुई है और इसको बहुत सारे खिताब हासिल हैं, जैसे कि अलग अलग दौर में इसको बहुत सारे खिताब दिए गए क्योंकि ये हिमालयाज के फुट हिल्स में जो है हमें मिलता है। और इसके साथ साथ हेनरी लॉरेंस साहब जिन्होंने मरी की बुनियाद रखी, उन्होंने भी 1861 में अपनी स्टेटमेंट दी कि वी आर प्लीज्ड टू प्रोक्लेम मरी एज अ मिनी इंग्लैंड, क्योंकि इसका मौसम जो था उस दौर में बिल्कुल इंग्लैंड से मिलता था, जिसकी वजह से उन्होंने इस स्पॉट को चुना और इस जगह पे एक टाउन डेवलप किया जिस जगह पे आज हम ये पूरा मरी का शहर आबाद देखते हैं। इसके लिए उन्होंने एक लीनियर डेवलपमेंट का इंतखाब किया जो कि हमें डिफरेंट माल रोड्स पे नजर आती है। यही डेवलपमेंट हमें एग्जैक्ट शिमला में नजर आती है और इसी तरह की कुछ डेवलपमेंट हमें लाहौर में भी माल रोड पर नजर आती है। इस डेवलपमेंट के अंदर माल रोड को स्पेसिफिकली डेवलप करके चर्चेस डेवलप किए जाते थे, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली मरी की बात करते हैं तो इसमें हमें एक ट्विस्ट नज़र आता है कि यहाँ पे सबसे पहले 1850 के अंदर इन्होंने चर्च की बुनियाद रखी और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो चर्च के साथ डेवलप होना स्टार्ट हुई और 1850 से लेके 1857 तक चर्च की कंस्ट्रक्शन हुई और 1860 में इस चर्च की तकदीस की गई। होली ट्रिनिटी चर्च जो कि इस माल रोड की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, ये इस रोड के बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड इसको एपी सेंटर बना के इन्होंने इस रोड को जो है वो डेवलप किया। होली ट्रिनिटी चर्च, इस चर्च का नाम जो है वो स्पेसिफिकली मसीह तसलीस की बुनियाद के ऊपर रखा गया है और वही एलिमेंट्स हमें इसके आर्किटेक्चर में भी नज़र आते हैं। इस चर्च का आर्किटेक्चरल स्टाइल नियो गोथिक आर्किटेक्चर है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी इंडिजिनस मटेरियल्स को यूज़ करके और इंडिजिनस डिज़ाइंस को यूज़ करके एक ब्लेंड किया गया है जिसको हम एंग्लो इंडियन भी कह सकते हैं, लेकिन इसके मेन फीचर्स जो हैं वो हमें नियो गोथिक आर्किटेक्चर से रिलेटेबल मिलते हैं। यूजली जब हम ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली चर्चेज़ के रेफरेंस से देखते हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बना, तो उसमें चर्च की ओरिएंटेशन ईस्ट वेस्ट रखी जाती थी कि सूरज जो है बेसिकली ईस्ट से निकलता है तो किस तरह से उसकी लाइट जो है वो कैप्चर की जाती थी चर्चेस के अंदर। लेकिन जो मरी के स्पेसिफिकली चर्च है, अगर हम इसको देखें तो ये उस टाइम पे वैली व्यू को मद्देनजर रख के इसकी ओरिएंटेशन जो थी वो सिलेक्ट की गई। इस खत्ते में ब्रिटिश एरा के चर्चेस को देखते हैं तो वो क्रॉस की शेप के ऊपर डेवलप किए गए, यानी कि उनका फुटप्रिंट जो है वो सलीब की शेप के ऊपर रखा जाता था, लेकिन जब हम मरी के चर्च को देखते हैं तो इस चर्च के अंदर हमें वो पैटर्न फॉलो होता नज़र नहीं आता। uh,
हमें ये नज़र आता है कि यहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे इस व्यूज़ को देखते हुए यहाँ के जो वैली व्यूज़ थे और जो लैंडस्केप था इस जगह का उसकी उसके मुताबिक इसको नेचुरली जो था ब्लेंड किया उस लैंडस्केप के साथ इस बिल्डिंग को। होली ट्रिनिटी चर्च मरी इंतजामी हवाले से लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। होली ट्रिनिटी चर्च मरी में इबादत का बाकायदा आगाज 1857 में हुआ जो आज तक खुदावन के फजल से जारी है। चूंकि यह चर्च एक सियाहती मुकाम पर वाक़ है इसमें ना सिर्फ अंदरूने बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग जब यहाँ सियाहत के सिलसिले में आते हैं तो वो यहाँ चर्च को विजिट भी करते हैं। ९९७ में क्वीन एलिजाबेथ II इस चर्च में इबादत के लिए आई और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए एक स्पेशल दुआ का इनकाद यहाँ पे किया जाए और जब क्वीन यहाँ पे इबादत के लिए आई तो उन्होंने यहाँ पे इबादत की। बेशक वो एक क्वीन है मगर फिर भी वो खुदा के आगे झुकी जो इस बात की अलामत है कि खुदा ही वाहिद सबसे बड़ा है वही हकीकी और अब्दी बादशाह है। नवीन, होली ट्रिनिटी चर्च मरी के मास्टर प्लान के बारे में कुछ तफसीली बताइए। होली ट्रिनिटी चर्च जिस अहद में बना उस टाइम पे यहाँ पे इसकी लैंडस्केप को इस रिच लैंडस्केप को मद्देनजर रख के इसकी चर्च की ओरिएंटेशन भी डिसाइड की गई और इसको वैली व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिज़ाइन किया गया। सही। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली चर्च बिल्डिंग जो है इसके साथ साथ उसकी अलाइड फैसिलिटीज़ जो हैं जिस तरह के विक्रेज है किचन्स हैं ठीक है वो यहाँ पे इन्होंने दिए थे और इसी ये जो किचन है यहाँ से सर्विंग जो है इसके ऑपोजिट जो पार्टी हॉल्स थे उस टाइम पे बॉलरूम्स थे वहाँ पे भी इसकी सर्विंग जो थी वो की जाती है जहाँ पे अभी ये रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। जी बिल्कुल। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से मरी का डेवलप होता गया माल रोड के साथ साथ और जो मॉडर्नाइजेशन आती की और जो चेंजेस हुए ये सब रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं ये उसके बाद की चीज़ें हैं। नवीन, इस इंतहाई खूबसूरत और दिलकश बिल्डिंग का फनी तमीर कौन सा है और इसमें जितने खूबसूरत एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं उनके बारे में तफसीलन बताइए। इस चर्च का फनी तमीर जो है वो न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल है और इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो हमें पॉइंटेड नज़र आते हैं जो कि गॉथिक आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है खास एलिमेंट का। ठीक है, और आइए हम आगे जाके इसकी मज़ीद डिटेल को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये विंडोज नजर आ रही है। ठीक है, तो जो होली ट्रिनिटी जो इस चर्च का नाम है इस विंडोज का डिजाइन भी उसी तरह से किया गया है कि आपको एक सबसे पहले एक बड़ी पॉइंटेड आर्च नजर आती है और उसके अंदर मजीद दो आर्चेस जो है वो नजर आती है तो कुल मिलाकर हमें तीन का अदद शो करता है जो तस्लीस को जाहिर करता है। बिल्कुल। और उसके साथ ही अगर हम देखें जो स्पिंड्रल्स होते थे उसको भी इन्होंने यूज करते हुए एक विंडोज छोटी ऊपर दी है और जिसको फोर पेटल लीफ जो है वो डिफाइन करता है तो ये चार का अदद भी जो है वो बिब्लिकल रेफरेंस में अगर हम देखते हैं तो बहुत बार यूज हुआ है और इससे ये हमारे जैसा कि अनाजील अरबा चार का चार अनाजील हैं और उसके साथ साथ अगर हम देखें
हमारे एलिमेंट्स जो हैं फायर वाटर एयर एंड अर्थ ये भी चार हैं, फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये जो हमारे बेसिकली इर्द गिर्द जो हमें यूनिवर्स जो मैसेज देता है ये उसके अकॉर्डिंगली और जो बिब्लिकल रेफरेंसेस है उसके साथ मिला के इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो डेवलप हुआ। क्या इसमें यूज किया गया मटेरियल किसी फॉरेन कंट्री से भी आया था? इसके जो मटेरियल यहाँ पे इस वक्त एक्सटीरियर में हम देख रहे हैं उसके अंदर जो था वो लोकली प्रोड्यूस किया गया था, चाहे वो ब्रिक्स थी या वो स्टोन था उनको प्रॉपरली चिजल्ट करके इसको जो है वो डेवलप किया गया था। लेकिन जब हम इसके आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं और हम इंटीरियर में जाके देखेंगे तो वो आपको काफ़ी सारी जो इस तरह की रिच चीज़ें हैं और जो माइथोलॉजी पे डिपेंड करती हैं वो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी कि यहाँ पे इम्पोर्ट की गई थी। जब हम रूफ की बात करते हैं तो रूफ इसकी स्लोपी रूफ यानी कि स्लांट रूफ रखी गई क्योंकि यहाँ का वेदर इस तरह का था, स्नो का एक लोड होता है बिल्डिंग के ऊपर उसको डिवाइड करने के लिए और फिर स्नो मेल्टिंग के लिए स्लोपी रूफ स्लांट रूफ रखी जाती है। तो क्या ये रूफ चेंज की गई है? ओरिजिनली रूफ यही है। जिस तरह से इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारी इंटरवेंशंस की गई हैं रूफ में भी इसकी इंटरवेंशंस की गई हैं। मेनली ये जो रूफ थी वो वुडन स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर स्टोन टाइल्स जो थी वो छोटे साइज की वो इसके ऊपर इनले वर्क से लगाई गई थी। तकरीबन कोई 60 साल पहले इसकी रूफ को जो सा था वो दोबारा से रेनोवेट किया गया और उसके लिए उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो नीचे वुड का ही रखा और उसके ऊपर तब तक जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स जो थी वो डेवलप हो चुकी हुई थी तो उसका एक इनले जो है वो उसमें नजर आता लगाया गया। चर्च की फ्रंट साइड को तो आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया इसके एलिमेंट्स को भी, हमें चर्च की दूसरी साइड के बारे में बताइए और ये जो बेल टावर है इसके बारे में भी हमें तफसीलन बताइए। जी बिल्कुल, आइए हम इसके लिए चर्च की बैक साइड पे चलते हैं, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा विजिबल है और क्लियर है। चलें शमीम, तो इस वक्त हम मौजूद हैं चर्च की दूसरी साइड पे और ये जो आपको वर्टिकल कॉलम्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली गोथिक आर्किटेक्चर का ही एक एलिमेंट है जिसको हम बटरसेस कहते हैं। बटरसेस बेसिकली सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं जब कोई डबल हाइट बिल्डिंग होती है उसको होल्ड करने के लिए और उसकी सपोर्ट के लिए ताकि जो भी वेदर कंडीशंस या अर्थक्वेक की कोई कंडीशंस आ जाए तो बिल्डिंग जो है वो आपकी मूव ना करे या गिरे ना। साथ साथ ही अगर हम देखें तो इसके जो पॉइंटेड आपको नज़र आ रहे हैं कॉलम्स के साथ साथ एक फीचर है जो पॉइंटेड है तो बेसिकली ये भी गोथिक आर्किटेक्चर का पॉइंटेड फीचर जो है और ये खुदा के जलाल को मतलब हर चीज़ जो है वो खुदावंद की तरफ जा रही है टूवर्ड्स गॉड है तो इसलिए ये पॉइंटेड जो है हमें फीचर यहाँ पर नज़र आ रहा है। मौजूद हैं होली ट्रिनिटी चर्च के मेन हॉल में, आप हॉल की डिटेल्स हमें बताइए कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं और इसका क्या क्या थियोलॉजिकल मीनिंग है। अच्छा, जब हम इसके हॉल के अंदर एंटर करते हैं तो आप देखें कि एक बहुत हमें स्पेशियसनेस फील होती है और उसकी वजह यह है कि ये जो डबल हाइट स्पेस है ये एक वसीपन जो है उसका एहसास दिलाती है और उसके साथ जब हम देखते हैं यहाँ पे वुड जोन से हैं वुड बेंचेस जोन से हैं वो वुडन डिटेल्स में हैं, रूफ इसकी वुडन डिटेल में है, पीछे की तरफ अगर हम देखें तो क्वायर्स की क्वायर के लिए जो गैलरी बनाई गई है वो वुडन डिटेल में है। और
और हम देखते हैं कि जैसे फ्लाइंग बटरसेस हैं, इनके ऊपर कार्विंग है, ये किस किस्म की जी? ये बेसिकली कार्विंग जोन सी है, कश्मीरी पैटर्न्स और कश्मीरी स्टाइल के अंदर इसको कार्व किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो क्वायर के लिए जो पूरा एक बैल्कनी जो पीछे डेवलप की गई है गैलरी के साथ, उसके ऊपर भी हमें काफ़ी ऐसी ही डिटेल्स मिलती है। और बेंचेस पे भी हम देखते हैं कि बेंचेस के अंदर भी कुछ आर्चेस बनी हुई हैं, ये कौन सी आर्चेस हैं? ये अगेन जिसमें हम बात कर चुके हैं कि पॉइंटेड आर्चेस जो गोथिक आर्किटेक्चर का एलिमेंट है, उसी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें इसके फर्नीचर डिज़ाइन में भी नज़र आती है। और इवन दो के जितनी हमें यहाँ पे बालकनी में भी यही डिटेल नज़र आती है जो पॉइंटेड आर्चेस के साथ डेवलप की गई है। नवीन, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत गैलरी बनी है जो कि वुडन कॉलम्स पे खड़ी है, और इस गैलरी के आउटर साइड पे देखते हैं कि फ्लावर पैटर्न्स भी बने हुए हैं, और इसके ऊपर एक ऑर्गन भी पड़ा हुआ है जो कि बहुत कदीम है, इसके बारे में बताइएगा। ये बेसिकली गैलरी जो है स्पेसिफिकली क्वायर के लिए डेवलप की गई थी, और ये मेज़नाइन फ्लोर जो है इसके ऊपर हैवी ऑर्गन इस वक्त प्लेस किया गया है, और वो भी पूरा लोड जो है इसका इस वुडन बीम्स और कॉलम्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये जो ऑर्गन है, ये स्पेसिफिकली एको जब इसकी प्रोड्यूस होती थी तो थ्रू आउट पूरे हॉल में इसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती थी, और इसके राइट और लेफ्ट साइड पे जो है वो क्वायर बैठती थी और वो अपने लाइक जो हिम्स जो उनसे हैं वो गाते थे। बैल्कनी के ऊपर फ्लावर्स के मोटिव्स नज़र आ रहे हैं, ये मोटिव्स जो हैं बेसिकली हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड हैं, और ब्रिटिशर्स ने ये अडॉप्ट इसलिए किए क्योंकि वो कई एलिमेंट्स ऐसे अडॉप्ट करते थे जो यहाँ के नेटिव रिलीजन्स और नेटिव लोग जो उनसे थे वो उसको फॉलो कर रहे थे, और उसकी रिलीजियस हार्मनी क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये मोटिव्स जो उनसे थे वो अडॉप्ट किए। अब ये स्पेसिफिकली मोटिव जो फ्लावर का है, इसको हम पद्मा कहते हैं जो कि संस्कृत जबान का वर्ड है, और इसका जो जिसको हम इसको इंग्लिश में लोटस फ्लावर भी कहते हैं, और ये बेसिकली एक हिंदुइज्म में बहुत मुकद्दस फूल समझा जाता है। चर्च का आल्टर बाकी चर्चेस के आल्टर से कदरे मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, और इसकी स्टेन्ड ग्लास वर्क भी काफ़ी रिच है, इसमें मल्टीपल इमेजेस नज़र आ रहे हैं जी। इनको एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या कहानी बयान करते हैं। बेसिकली जिस तरह हम देखें कि तीन आर्चेस जो सी हैं वो यूज़ की गई हैं, और बार बार हमें इस चर्च में तीन का आदत यानी ट्रिनिटी का जो सिंबल है वो हमें महसूस होता है कि उन्होंने कितने किस तरह से इसकी आर्ट डेकोरेशन में भी उसको यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब जो आप पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, ये पेंटिंग्स बेसिकली स्टेन ग्लास डिफरेंट कलरफुल ग्लासेस का कटवर्क है जिसको लेड की मदद से जोड़ के इस पूरे फ्रेम्स में 16 पेंटिंग्स का कोलाज वर्क बनाया हुआ है। तो ये पेंटिंग्स जो सी हैं बेसिकली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चर्च के अंदर क्योंकि ये जीसस की पूरी लाइफ को फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ एंड टू द रिजरेक्शन। ऑल्टर के ऊपर कुछ इमेजेस हैं जैसे कि लैम है, ईगल है, लाइन है या स्फिंक्स है जी। क्रिश्चियन लिटर्जी में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, एक चर्च में ये इमेजेस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? चर्च में बेसिकली ये इमेजेस इस्तेमाल करने का मकसद जो है वो ये है कि जब हम बिब्लिकल स्टडीज़ करते हैं और उसकी थियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम चर्चेस के आर्ट डेकोरेशन में देखते हैं। राइट। तो सबसे अगर हम देखें पहले तो इसमें लैम्प की रिप्रेजेंटेशन हमें बड़ी सेंट्रलाइज्ड और फोकस्ड नज़र आती है। लैम्प को डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट के साथ रिलेट किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें इसके राइट और लेफ्ट साइड पे हमें दो मिथिकल क्रीचर्स जो उनसे हैं जो कि हमें ग्रीक मिथोलॉजी में और इजिप्शियन मिथोलॉजी में नज़र आते हैं, दैट आर स्विंग्स, जो बेसिकली एक शेर का फेस होता है लाइन का, और पीछे साथ उसके विंग्स हैं और नीचे उसकी ह्यूमन फिगर है। ठीक है, और इसको अगर हम देखें और इसको स्टडी करें और ये जानने की अगर हम कोशिश करें कि ये एक ग्रीक और इजिप्शियन सिंबल है जो कि हमें पाकिस्तान में इस होली ट्रिनिटी चर्च के ऑल्टर के ऊपर नज़र आ रहा है, वो इस तरह से है कि जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तो हमें कई जगह पर बाइबल की वर्सेस में ये बात मिलती है कि जो खुदावन की आवाज़ है वो शेर बबर की आवाज़ है। ठीक है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसका जो लिंक है वो हम इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि ये जो स्विंग्स हैं इस ऑल्टर पे उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है। और अगर हम इसके राइट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे हमें विंगेड ह्यूमन फिगर नज़र आता है जो कि बेसिकली एंजल है और गार्डियन एंजल की रिप्रेजेंटेशन है।
मरी के पुरफिजा और पहाड़ी मकाम पर मौजूद होली ट्रिनिटी चर्च को अंग्रेजों ने रावलपिंडी और पेशावर में बीमार पड़ने वाले फौजियों के लिए बनवाया था, जो उन दिनों गर्मी की शिद्दत और दीगर जल्दी बीमारियों में मुबतला थे। इस चर्च की बुनियाद रखने से कबल यहाँ पर एक सैनिटोरियम भी मौजूद था। कहा जाता है कि होली ट्रिनिटी चर्च की बिल्डिंग उन इब्तदाई बिल्डिंग्स में से एक है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन दिनों में तामीर करवाई थी। इस चर्च की खिदमत के 10 साल बाद ही एक रोमन कैथलिक चर्च की बुनियाद रखी गई, जो जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट और CMH के दरमियान में वाक़ है। इस चर्च की तामीर बुनियादी तौर पर रेड ब्रिक में की गई, मगर बाद हज़ां इसकी तज़ईन आरइश और बहाली का काम किया गया, जिसमें ग्रे स्टोन इस्तेमाल किया गया, जो कि इस इलाके की मुताबिकत के साथ साथ गोथिक आर्किटेक्चर की भी एक उम्दा मिसाल है। Being vicar of the Holy Trinity Church, Murray, मैं दुनिया के तमाम सियाहों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी पाकिस्तान में आएँ तो पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर मरी के खूबसूरत और तारीखी चर्च का विज़िट लाजमी करें और जानें और देखें कि इस चर्च में आज भी बहुत सी नायाब चीज़ें मौजूद हैं और ये चर्च जो कि 1857 में तमीर हुआ आज भी अपनी असली हालत के बहुत पास है। ये था हमारा चर्चेज ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम होली ट्रिनिटी चर्च मरी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी आगाही हासिल हुई होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान के अगले एपिसोड में। टिल देन, खुदा हाफिज एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।